गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नो, इससे पहले वाले वीडियो में हमने ब्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि ब्रिक्स क्या होती हैं, व्हाट आर देयर डिफरेंट टाइप्स एंड व्हाट आर द यूजेज ऑफ ब्रिक्स। नाउ अब जो है हम सीमेंट्स, उसके जो आपके रिमेनिंग पार्ट्स थे, सीमेंट, टिम्बर, स्टोन, लाइम, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो आपका है सीमेंट। नाउ कॉन्स्टो, व्हाट इज सीमेंट? सीमेंट क्या होती है? सीमेंट इज अ वेरी यूजफुल बाइंडिंग मटेरियल्स इन कंस्ट्रक्शन। सीमेंट्स का यूज हमारी जब में बाइंडिंग मटेरियल्स के लिए यूज करते हैं। ये हमारे किस बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज होने वाली सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल्स होती है। आपको कंक्रीट में भी बताया गया था कि द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट हमारे क्या होते हैं, तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स जो था वो आपका सीमेंट ही था। तो यहाँ हम बस सीमेंट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी आपने सीमेंट्स के बारे में स्टडी कर लिया है। तो आपकी ये दी एप्लीकेशन ऑफ सीमेंट ओवर वेरियस फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन है मेड इट ए वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी जितने भी आपका कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उसमें हमारा सीमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी इम्पोर्टेंस आपकी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं उनको ये एक साथ बाइंड करने का काम करता है। नाउ व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट? तो यहाँ आप देख रहे हैं, सीमेंट इज ए पॉपुलर बाइंडिंग मटेरियल। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स होता है। एंड एलोंग विद दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट इज क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स। सबसे पहले तो एक तो हम प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्लासिफाई करते हैं, दूसरी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? जब भी हमारी जो सीमेंट्स आपकी मैन्युफैक्चर होकर प्लांट से आती है, तो उसकी हम फिजिकली टेस्ट करते हैं कि सीमेंट जो हम यूज कर रहे हैं उसकी फाइननेस क्या है, उसकी साउंडनेस क्या है, सीमेंट की कंसिस्टेंसी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उसकी सिटिंग टाइम क्या है, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है, लॉस ऑफ इग्निशन क्या है, बल्क डेंसिटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। दीज आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज विच आर टेस्टेड इन लेबोरेटरी फॉर दिस सीमेंट। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? केमिकल को जो भी आपके जो सीमेंट होते हैं उसके केमिकल कॉम्पोजिशन जो होते हैं, तो उसको हम देखते हैं कि आपकी उसमें जो भी आपकी केमिकल कॉम्पोजिशन है वो आपकी कितने परसेंट में है। तो आपकी इसकी प्रॉपर्टी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, जो जब भी हम सीमेंट में जब वाटर ऐड करते हैं तो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, तो सीमेंट जो है उसके चार कंपाउंड बनते हैं, C3S, C2S, C3A और C4A। ये हमारे चार जो ये कंपाउंड बनते हैं इसको हम बोलते हैं, ये हमारे चार जेल बनाते हैं। और नाउ दीज आर दी मैग्नीशिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, एल्कलाइन, एल्युमिनियम। ये हमारे जो होते हैं सीमेंट्स के आपके केमिकल कंपोजिशन होता है। सीमेंट में हमारी सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो होती है वो आपकी इसमें सिलिका कंटेंट और एल्युमिनियम जो होती है, एलुमिना, इसकी हमारी क्वान्टिटी सबसे ज़्यादा होती है। मैग्नीशियम जो होती है 5% के आसपास होती है। नाउ वॉट आर द यूजेज ऑफ सीमेंट? सीमेंट का यूज हम प्लास्टरिंग में करते हैं एज ए मोर्टार। मोर्टार क्या होता है? मोर्टार इज द मिक्सचर ऑफ द सीमेंट एंड सैंड। तो इसका यूज हम प्लास्टरिंग में कर सकते हैं, मशीनरी वर्क में कर सकते हैं, पॉइंटिंग में कर सकते हैं। जो भी हमारे, इट इज यूज फॉर मेकिंग ज्वाइंट्स फॉर ड्रेन एंड पाइप्स। हमारे ड्रेन और पाइप्स की ज्वाइंट्स के लिए इसका यूज कर सकते हैं। वाटर टाइटनिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स के लिए यूज कर सकते हैं। इट इज यूज इन कंक्रीट फॉर लेइंग फ्लोर्स, रूफ एंड कंस्ट्रक्शन, लिंटेल, बीम्स, स्टेयर, पिलर्स। सीमेंट का यूज करके हम छत बना सकते हैं, फ्लोर बना सकते हैं, बीम बना सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं, लिंटेल बना सकते हैं, छज्जा बना सकते हैं। इट इज आपकी जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं वो हम बना सकते हैं। नाउ इट इज यूज वेयर ए हार्ड सर्फेस इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एक्सपोज सर्फेस ऑफ स्ट्रक्चर अगेंस्ट द डिस्ट्रक्टिव एजेंट्स ऑफ दी वेदर एंड सर्टेन ऑर्गेनिक एंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जहाँ पे आपकी केमिकल अटैक्स के ज़्यादा चांसेज होते हैं उस केस में भी है सीमेंट का यूज करके हम जो भी सर्फेस है जहाँ पे उसको हमें रखना है तो हम बना सकते हैं। इट यूज फॉर प्रीकास्ट पाइप मैन्युफैक्चरिंग, पाइप्स
फेंसिंग पोस्ट, इसका सीमेंट का यूज करके हम प्रीकास्ट पाइप्स बना सकते हैं। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स देखे होंगे, इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द प्रीकास्ट स्ट्रक्चर। नो इट इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर सच एज ब्रिजेज, कलवर, डैम, टनल, लाइट हाउस, etc। तो इसका यूज करके हम सीमेंट्स का यूज करके ब्रिजेज बनाते हैं, कलवर्ट बना सकते हैं, डैम्स बनाते हैं, टनल्स बना सकते हैं। इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ फाउंडेशन, वाटर टाइट इट फ्लोर्स, फुटपाथ, etc। तो इस सीमेंट्स का यूज करके हम वाटर टाइट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जो भी वाटर स्टोरेज टैंक जो होता है, आपने कॉलेज में देखा होगा आपके ओवर हेड वाटर टैंक जो है, वो भी हमारा RC का है, और वो जो बना जो है उसमें मटीरियल्स यूज की गई है बाइंडिंग के लिए, तो सीमेंट यूज की गई है। इट इज एम्प्लॉयड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स, वाटर टैंक्स, टेनिस कोर्ट, लैंप पोस्ट, टेलीफोन केबिन्स, रोड, etc। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि जो भी हमारा सीमेंट है वो हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ कम्स टू द लाइम। अब हमारा जो है लाइम क्या होती है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लाइम क्या होती है। तो लाइम इज ए कैल्शियम कंटेनिंग इनऑर्गेनिक मिनरल कंपोज प्राइमरी ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, यूजली कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो लाइम जो होती है वो आपकी इनऑर्गेनिक मिनरल्स कंपाउंड से मिलके बनती है, जिसमें आपकी मेनली आपके जो पार्ट्स होते हैं उसमें आपके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, जिसमें आपकी जो होती है कैल्शियम ऑक्साइड हो सकते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं। दी रॉक्स एंड मिनरल्स फ्रॉम विच दीज मटीरियल्स आर डिराइव, टिपिकली लाइम स्टोन और चक। लाइम जो है, लाइम सीमेंट्स में भी आपकी जो होती है लाइम कंटेंट होती है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइम यूज इन द कंस्ट्रक्शन। तो एक आपकी होती है क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या होती है, क्विक लाइम इज ऑल्सो कॉल्ड कास्टिक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। दिस इज प्रोड्यूस बाई बर्निंग प्योर लाइम स्टोन, इट इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ लाइम अवेलेबल विच इज हाईली एम्पोरस एंड कास्टिक। क्विक लाइम हैज ए ग्रेट एफिनिटी टूअर्ड्स मॉइस्चर। तो आपकी जो क्विक लाइम है इसका यूज हम जब सीमेंट्स बनाते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग में हम एक आपकी मेन इंग्रेडिएंट्स के तौर पे यूज करते हैं। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए भी हम लाइम का यूज उसमें करते हैं, लाइम डालते हैं। नेक्स्ट आपका होता है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम इज ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ स्लेकिंग वेयर क्विक लाइम इज कंबाइंड विद वाटर। स्लेक्ड लाइम इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रेट ऑफ लाइम। दिस इज अवेलेबल एज प्योर लाइम इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट पाउडर। ये जो आपके होते हैं व्हाइट पाउडर फॉर्म्स के रूप में अवेलेबल होते हैं। स्लेक्ड लाइम व्हेन एक्सपोज टू द एटमोसफियर एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर कंटेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रेट और लाइम हाइड्रेट। स्लेक्ट लाइम फॉर्म बाई एडिंग क्विक लाइम एंड वाटर गिव्स ए स्लरी मटेरियल। जब इसमें हम क्विक लाइम और वाटर को ऐड कर देते हैं तो एक स्लरी मटेरियल्स बना देता है। इस स्लरी मटेरियल्स का यूज हम मोटर के तौर पे कर सकते हैं, जैसे कि जो प्लास्टिक वगैरह का वर्क करते हैं उसमें हम इस स्लरी का यूज कर सकते हैं, एज ए बाइंडिंग के तौर पर ये काम करता है। नेक्स्ट हमारी होती है फैट लाइम। द लाइम दैट कंटेन्स कैल्शियम ऑक्साइड इन हाई कंटेंट इज कॉल्ड एज फैट लाइम। जिस लाइम में आपके कैल्शियम ऑक्साइड जो होती है ज़्यादा मात्रा में होती है तो उसको हम बोलते हैं फैट लाइम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाइट लाइम और रिच लाइम और हाई कैल्शियम लाइम और प्योर लाइम। इसको आपको कहीं आपको रिच लाइम लिखा होगा, कहीं हाई कैल्शियम लाइम कहते हैं, कहीं प्योर लाइम कहते हैं। इट स्लेक्स विग्रोसली वेन वाटर इज एडेड टू इट। दिस स्लेकिंग इंक्रीज इज वॉल्यूम ऑफ 2.5 times ग्रेटर देन डेट ऑफ क्विक लाइम। जब इसमें हम वाटर ऐड करते हैं तो इसकी वॉल्यूम जो होती है वो आपकी 2.5 गुना आपके क्विक लाइम से आपकी बढ़ जाती है।
इसका यूज जो है हम मशीनरी वर्क में करते हैं, फाउंडेशन में करते हैं। नेक्स्ट आपका होता है हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम क्या होती है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए वाटर लाइम। इट कंटेन्स 30% ऑफ सिल्का एंड 5% ऑफ एलुमिना अलोंग विथ आयरन ऑक्साइड। इसमें आपके 30% सिलिका होती है, 5% एलुमिना होती है और आयरन ऑक्साइड होती है। दिस लाइम सेट व्हेन वाटर इज एडेड टू, जब इसमें हम पानी डालते हैं तो ये आपकी सेट हो जाती है। तो हाइड्रोलिक लाइम्स का यूज जो है, ये आपकी जो भी सीमेंट्स जो बनती है, ओपीसी सीमेंट्स बनाते हैं उसमें हम करते हैं। नाउ व्हाट आर द यूजेज ऑफ लाइम इन कंस्ट्रक्शन, इसका क्या यूज है। लाइम इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील इन ऑर्डर टू रिमूव द इम्प्योरिटीज। आपकी स्टील मैन्युफैक्चरिंग्स में हम इसका यूज करते हैं, जब भी जो भी हमारे उसमें इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं उसको आपको रिमूव करने के लिए। सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए भी हम लाइम्स का यूज करते हैं, जहाँ पे आपकी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी हमारी लो होती है, उस केस में हमें सॉइल को स्टेबलाइज करना होता है, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना होता है। जैसे कि हमें रोड्स बनाने हैं, एयर फील्ड बनाने हैं, या बिल्डिंग का फाउंडेशन जो है वो, अगर आपकी कहीं बिल्डिंग्स बनानी है उसकी फाउंडेशन की बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, तो उसको वहाँ की सॉइल को हम स्टेबलाइज करेंगे, हार्ड करेंगे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, लाइम्स को ऐड करते हैं। लाइम स्लरी इज यूज एज ए मोर्टार फॉर मशीनरी वर्क एंड फॉर प्लास्टरिंग। जैसे कि हम मोर्टार का यूज करते हैं सीमेंट और सैंड के मिक्सचर को, वैसे ही हम लाइम्स का यूज भी प्लास्टरिंग के लिए और ब्रिक्स की अगर वॉल बना रहे हैं तो उनको जोड़ने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। नाउ लाइम इज यूज एज एन एडिटिव इन असफल्ट विच हेल्प्स टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ कोहेसन। जो भी हमारे बिटुमेंस की जो रोड्स बनती है तो वहाँ पे भी हम लाइम्स का यूज कर सकते हैं, बिटुमेंस में उसकी कोहेसन प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए। लाइम हेल्प्स टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ असफल्ट टूवर्ड्स स्ट्रिपिंग एंड एजिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज योर टिम्बर। टिम्बर क्या होती है, तो व्हाट इज टिम्बर। टिम्बर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। आपकी टिम्बर्स तो सबने देखा होगा और इसका नाम सबने सुना होगा कि इसका यूज हम मोस्टली सबसे ज्यादा इसका यूज हम किस में करते हैं, फर्नीचर के लिए करते हैं। इट इज ऑल्सो एक्सटेंसिवली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ बीम्स एंड प्लैंक्स। आपने देखा होगा कि जो भी हमारे हिली रीजन्स होते हैं वहाँ पे जो भी बिल्डिंग्स बनती है वहाँ पे हम जो टिम्बर्स का यूज जो है, वहाँ टिम्बर्स जो है वो आपकी इजिली अवेलेबल्स होते हैं, तो आपकी वहाँ पे बीम्स वगैरह बिल्डिंग्स में बीम्स और प्लैंक्स के लिए भी हम उसका यूज कर सकते हैं। टिम्बर का यूज जो है बिल्डिंग स्ट्रक्चर या अदर रीजंस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। टिम्बर इज क्वाइट इन डिमांड एज इट फाइंड इट्स यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स मटेरियल फर्नीचर्स एंड वेरियस अदर पर्पज। टिम्बर्स की अभी डिमांड हमेशा रहती है बिल्डिंग्स की मटेरियल्स बनाने के लिए, जाए कि आपके वो डोर्स हैं, विंडो हैं, ये सब हमारे टिम्बर से बनते हैं, फर्नीचर्स वगैरह बनाने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो हमारे टिम्बर से बनती हैं। यहाँ हम देख रहे हैं ये टिम्बर को हमने फिगर में शो किया है। नाउ वॉट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर्स। सबसे पहला तो आपकी प्रॉपर्टीज में आती है कलर, उसकी कैसी है देखने में, जब टिम्बर्स आप जाएंगे लेने तो उसकी आपकी कलर कैसी है। द लाइटर द कलर इज द वीकर इज द टिम्बर। अगर टिम्बर्स की कलर आपकी काफ़ी लाइट है तो वो आपकी वीक है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो आपकी अच्छी नहीं होगी। देयर इज ए वेरिएशन ऑफ कलर फ्रॉम ट्री टू दी अदर। डिफरेंट टाइप्स की ट्री के आपके टिम्बर के कलर डिफरेंट डिफरेंट्स होते हैं, वेरिएशन। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई टिम्बर्स आप लेने गए उसका कलर आपकी लाइट है तो इसका मतलब वो आपकी वीक है, तो वो आपकी डिपेंड करेगी कौन से आप ट्री की है। इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली फ्रेशली कट वॉलनट टीक एंड देवदार हैव डार्क ब्राउन गोल्डन येलो एंड व्हाइटिश कलर शेडेड। जो भी अगर आप देखिए तो ये आपके पेड़ को जब हम फ्रेशली कट करते हैं तो जो वॉलनट टीक या देवदार जो होते हैं वो डार्क ब्राउन गोल्डन येलो एंड व्हाइटिश कलर्स के होते हैं। अपियरेंस कैसी होनी चाहिए, गुड टिम्बर इज नोन बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एरोमा।
हार्डनेस चेक दी हार्डनेस ऑफ टिम्बर फॉर रेजिस्टेंस एंड अदर एट्रीब्यूट, उसकी हार्डनेस हमें चेक करनी चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूजली द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टिम्बर वेरीज फ्रॉम 0.3 to 0.9 आपकी होती है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी डिपेंड्स हैवली ऑन दी पोर्स प्रेजेंट्स, आपके टिम्बर्स में पोर जो प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी डिपेंड करती है। एज द पोर्स डिक्रीजेज इट में इंक्रीज टू मोर देन 1.5। अगर आपके टिम्बर्स में पोर्स हमारे डिक्रीज होते हैं तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी जो है 1.5 तक जा सकती है। मॉइस्चर कंटेंट, टिम्बर इज नेचुरली हाइड्रोस्कोपिक, द मोर द वाटर कंटेंट द मोर इट इज सस्पेक्टेबल टू फंगल अटैक्स। आपके टिम्बर्स में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो आपके टिम्बर आप ले रहे हैं वो उसमें मॉइस्चर कंटेंट अगर ज़्यादा है तो इसमें आपके जो होते हैं उस फंगल अटैक्स उसमें ज़्यादा हो सकते हैं, फफूंदी वगैरह जो पड़ जाती है और अंदर से उसमें कीट लग जाते हैं और वो आपकी जो होती है ख़राब हो जाती है। ग्रेन्स, ग्रेन अरेंजमेंट इन टिम्बर कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स लाइक स्ट्रेट, कोर्स और इंटरलॉक। श्रिंकेज और स्वेलिंग, श्रिंकेज इन टिम्बर जनरली ऑकर्स आफ्टर कटिंग एंड ड्रॉइंग। वेन द सेल वॉल ऑफ टिम्बर स्टार्ट लूजिंग वाटर श्रिंकेज गेट अंडर वे। हाउएवर इफ द टिम्बर क्वालिटी इज गुड देन दे यूजली डू नॉट स्वेल। स्वेलिंग आपके टिम्बर्स के अंदर नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेंथ आपकी जो होती है सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है। एक क्वालिटी टिम्बर इज नोन एज हैव द हाइएस्ट स्ट्रेंथ, आपकी एक अच्छी टिम्बर जो होगी उसकी आपकी स्ट्रेंथ आपकी अच्छी होगी। मोर द स्ट्रेंथ द मोर इज द एबिलिटी टू बियर, जितनी ज़्यादा हमारी टिम्बर की स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज़्यादा वो आपके लोड्स बियर कर सकता है। द बेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज 500 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 700 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी होती है। वेन द बेंडिंग स्ट्रेंथ मोर इट जनरली इंडिकेट्स गुड क्वालिटी, अगर किसी टिम्बर की बेंडिंग स्ट्रेंथ आपकी जाती है तो वो आपकी अच्छी क्वालिटी की टिम्बर है। और डेंसिटी, गुड क्वालिटी टिम्बर हैज अ थिकर वॉल एंड हायर डेंसिटी, द मोर द मॉइस्चर कंटेंट द लेसर इज द डेंसिटी ऑफ टिम्बर। आपकी टिम्बर की जो डेंसिटी हो गया उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी आपकी कम होगी। टफनेस, टिम्बर हैज ए हाई कैपेसिटी ऑफ बियरिंग शॉक्स एंड जर्क्स, ओल्डर टिम्बर विथ एनुलर रिंग्स इज ए गुड इंडिकेशन ऑफ क्वालिटी। जो एनुलर रिंग्स होते हैं, जब भी हम टिम्बर्स को कट करते हैं तो उसमें हम देखते हैं आप जब कट करेंगे ड्राई फॉर्म में तो उसमें आपके ये रिंग्स टाइप्स के आपके अंदर से बने होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनुलर रिंग्स। टिम्बर हैज ए हाई कैपेसिटी ऑफ बियरिंग शॉक्स एंड जर्क्स, ओल्डर टिम्बर विथ एनुलर रिंग्स ए गुड इंडिकेशन ऑफ, जो भी हमारे पुराने टिम्बर्स होते हैं और एनुलर रिंग्स के होते हैं वो आपके गुड क्वालिटी के होते हैं, उसकी टफनेस हमारी अच्छी होती है। इलास्टिसिटी, टिम्बर जनरली अटेन्स इट्स ओन शेप आफ्टर यूजेज, आपकी टिम्बर्स को यूज करने के बाद से अपना ओन शेप ले लेता है, जिस शेप में उसको हम बनाना चाहते हैं उस शेप में आप बना सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी, गुड टिम्बर इज नोन बाय इट्स रेजिस्टेंस पावर टू फंगल अटैक, जो भी हमारे अच्छी क्वालिटी के टिम्बर्स होते हैं उसमें हमारे फंगल अटैक्स नहीं होते हैं, या यू कैन से कि अगर आपको टिम्बर अच्छे से पका हुआ होगा तो उसमें हमारे फंगल अटैक्स नहीं आते। अगर जैसे होता है गीला तुरंत हम लकड़ी काट के लाएं और उसका फर्नीचर वगैरह बना रहे हैं तो उसमें हमारे जो होते हैं फंगल अटैक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए सबसे पहले लकड़ी को आपने देखा होगा अच्छे से सुखा के उसके बाद से ही जो भी हमें उसका बनाना है मटेरियल उसको हम बनाते हैं। नाउ साउंडनेस, ए टिम्बर ऑफ गुड क्वालिटी ऑलवेज प्रोड्यूस ए गुड साउंड, जो भी उसको हम दो टिम्बर्स को आप फिर दो लकड़ी ले जाए और उसको आप एक दूसरे से स्ट्राइक करें तो एक अच्छी साउंड निकलनी चाहिए, तो उससे हम कह सकते हैं कि ये गुड क्वालिटी के टिम्बर है। नाउ वेरियस यूजेज ऑफ टिम्बर, टिम्बर्स के आपके क्या क्या यूज हो सकते हैं। सबसे पहला यूज जो है वो फ्यूल के लिए हम यूज करते हैं। द प्राइमरी यूजेज ऑफ टिम्बर इज फॉर फ्यूल, तो आपकी फ्यूल के लिए जलाने के लिए हम यूज करते हैं, ईंधन बनाने के लिए। अराउंड 40% ऑफ टिम्बर यूज इन फॉरेस्ट अराउंड द वर्ल्ड इज यूटिलाइज एज फ्यूल, आपकी वर्ल्ड वाइड जो है 40% टोटल फॉरेस्ट के हमारे जो टिम्बर्स हैं उसका यूज हम फ्यूल के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो यूज होता है कंस्ट्रक्शन के लिए। अपार्ट फ्रॉम फ्यूल द मोस्ट वीटल यूजेज ऑफ टिम्बर इज इन द बिल्डिंग इंडस्ट्री, फ्यूल के बाद जो हमारा सबसे ज़्यादा यूज आपके टिम्बर्स का होता है वो आपके बिल्डिंग इंडस्ट्री में होता है। डिप
डिस्पाइट हैविंग इनफ यूज ऑफ स्टील एंड कंक्रीट इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, देयर इज कंसिडरेबल यूज ऑफ टिम्बर फॉर बिल्डिंग ब्रिजेज एंड पार्ट्स ऑफ हाउसेज। जैसे हम कंक्रीट और स्टील का यूज करते हैं बिल्डिंग्स का, उसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि बिल्डिंग्स में हमारे टिम्बर्स का भी यूज भी हम करते हैं घरों के बहुत से पार्ट्स बनाने के लिए, जैसे कि अलमीरा वगैरह बनानी है, आपके डोर्स हैं, विंडो है, ये सारे में हम टिम्बर्स का यूज करते हैं। सॉन वुड, टिम्बर इज मेनली यूज फॉर हैवी ड्यूटी कंस्ट्रक्शन लाइक रेलवे स्लीपर कंस्ट्रक्शन पियर सिटी से। पहले आपने देखा होगा जो भी रेलवे के जो स्लीपर्स होते थे पटरियाँ, वो सारी हमारे टिम्बर्स की होती थी, बट नाउ डेज इट इज रिप्लेस बाय दी कंक्रीट प्री कास्ट कंक्रीट मेंबर्स, उसको हम आज के डेट में रिप्लेस करते हैं। पहले आप रेलवे स्लीपर्स कंस्ट्रक्शन पियर्स आपके जो होते थे वो सारे हमारे टिम्बर्स के बने होते थे। प्लाईवुड एंड वीनर्स, टिम्बर्स वेन यूज इन द फॉर्म प्लैंक्स वुड्स दैट इज रियली कट इन टू थिन शीट्स एंड ग्लू टूगेदर टू फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल मटेरियल इज कॉल्ड प्लाईवुड। जब हम टिम्बर्स को डिफरेंट पतले पतले शीट्स में काट देते हैं, फिर उनको हम एक साथ जोड़ के एक स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल मटेरियल बना देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं प्लाईवुड। प्लाईवुड्स का यूज आपकी कहाँ होते हैं, जनरली यूज फॉर द इंटरनल कंस्ट्रक्शन, यूज मोर फॉर इंटरनल कंस्ट्रक्शन लाइक डोर्स एंड फर्नीचर। शीट्स ऑफ वैल्यूएबल वुड्स लाइक महोगनी, इबोनी, ओक एंड वॉलनट आर ऑल्सो यूजफुल फॉर फर्नीचर मेकिंग। ये आपके कुछ टिम्बर्स के टाइप्स हैं जिसका यूज हम करते हैं। नेक्स्ट, फाइबर बोर्ड्स बनाने के लिए, द यूज ऑफ टिम्बर इन फाइबर एंड पार्टिकल्स बोर्ड इज ऑल्सो कॉमन, दे आर मेड फ्रॉम सॉडस्ट, पल्प्स एंड अदर वेस्ट मटेरियल। बोर्ड्स लाइक क्लिप बोर्ड, ब्लॉक बोर्ड, हार्ड बोर्ड यूजली यूटिलाइजिंग इन द मेकिंग फर्नीचर ऑफ ऑल इंटरनल कंस्ट्रक्शन, सीलिंग, लाइनिंग एटीसी। पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में भी आपका जो है टिम्बर्स का यूज होता है। टिम्बर हैज एन इवर इंक्रीजिंग डिमांड इन द पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। जनरली टिम्बर कंटेन्स टू सब्सटेंसेस, सेलुलोज एंड लिग्निन, विच इज यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ पल्पिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग सेलुलोज फ्रॉम पेपर्स। नोट दैट टिम्बर इज नॉट द ओनली सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस पेपर, बट ए वेराइटी ऑफ वेजिटेबल फाइबर कैन ऑल्सो मेक पेपर। सिंथेटिक टेक्सटाइल, वुड सेलुलोज दैट फॉर्म्स द बेसिक्स ऑफ सिंथेटिक टेक्सटाइल इज नोन एज रेयॉन। द सेलुलोज व्हेन डिजॉल्व इन कास्टिक सोडा एंड कार्बन बाइसल्फाइड एंड एक्सट्रूडेड थ्रू ए स्निपरेट प्रोड्यूसेस फिलामेंट्स ऑफ विस्कोस रेयॉन। बनाने के लिए भी आपकी जो रेयॉन के जो कपड़े आपने सुने होंगे वो भी हमारे टिम्बर्स से ही बनते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टोन्स। नाउ वॉट इज स्टोन्स, क्या होती है? इट इज ए हार्ड सॉलिड नॉन मेटेलिक मिनरल मैटर ऑफ विच रॉक इज मेड स्पेशली एज ए बिल्डिंग मटेरियल। यहाँ फिगर में देख रहे हैं रॉक्स का यूज हम बिल्डिंग मटेरियल्स के तौर पर करें। यह की एक हार्ड नॉन मेटेलिक मिनरल्स होती है जो हमारी मेनली जो होती है रॉक से बनती है, जिसका यूज हम बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए करते हैं। कॉमनली यूज आपके बिल्डिंग स्टोन्स क्या होती हैं, फॉलोइंग आर दी कॉमनली यूज बिल्डिंग स्टोन, ग्रेनाइट, बसाल्ट, सरपेटाइन, लाइम स्टोन, चाक, सैंड स्टोन, मार्बल स्लेट, क्वार्टजाइट, लेटराइट। ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के आपके बिल्डिंग स्टोन्स होते हैं। नाउ इंजीनियरिंग एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोन। सबसे पहला जो होता है स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोन मे बी स्ट्रेटिफाइज और अनस्ट्रेटिफाइज। स्ट्रक्चर स्टोन शुड बी ईजिली ड्रेस्ड एंड सुटेबल फॉर सुपर स्ट्रक्चर, अन स्ट्रेटिफाइड स्टोन आर हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डे आर प्रेफर टू। हमारे जो स्ट्रक्चर्स में हम इसका यूज करते हैं, अगर आपकी जो स्टोन्स हैं वो आपकी स्मूथ सरफेस हैं, स्ट्रेटिफाइड है, लेयर्ड है, तो उसका यूज जो है सुपर स्ट्रक्चर्स के रूप में कर सकते हैं बिल्डिंग बनाने में। अगर उसको हम ड्रेसिंग नहीं कर सकते हैं, स्टोन्स की ड्रेसिंग हार्ड है, अन स्ट्रेटिफाइड है, तो उसका यूज हम नॉर्मली फाउंडेशन के लिए कर सकते हैं। टेक्सचर, फाइन ग्रेन्ड स्टोन्स विद होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन लुक अट्रैक्टिव एंड हेंस दे आर यूज फॉर कैरविंग। सच स्टोन्स यूजली स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। फाइन ग्रेन्ड स्टोन्स जो होते हैं, जो हमारी होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन, उनको हम बिल्डिंग्स में अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए कि आपका देखने से अच्छा लगे उसमें हम कर सकते हैं। डेंसिटी, डेंसर स्टोन्स आर स्ट्रोंगर
लाइट वेट स्टोन्स आर वीक, जो भी हमारे डेंसर स्टोन्स होंगे वो आपके मजबूत होते हैं, जिसमें आपके जो होते हैं फोर्स आपके नहीं होते हैं। अगर हमारा कोई लाइट वेट स्टोन्स है तो वो आपके वीक होते हैं। स्टोन विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 2.4 आर कंसिडर अनसुटेबल फॉर बिल्डिंग। अगर कोई आपकी स्टोन्स है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी 2.4 से कम है, तो वो आपकी जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे सुटेबल नहीं है। अपियरेंस, ए स्टोन्स विच यूनिफॉर्म एंड अट्रैक्टिव कलर इज ड्यूरेबल। एक कोई भी स्टोन से यूनिफॉर्म और अट्रैक्टिव कलर का जो है तो वो आपकी ड्यूरेबल है। इफ ग्रेन्स आर कॉम्पैक्टेड, मार्बल्स एंड ग्रेनाइट गेट वेरी गुड अपियरेंस व्हेन पॉलिश एंड दे आर यूज फॉर फेस वर्क ऑफ बिल्डिंग। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इज एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी टू बी लुकड इन टू बिफोर सेलेक्टिंग स्टोन एज ए बिल्डिंग मटेरियल। जब भी हम स्टोन्स को बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर सेलेक्ट करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होती है। तो आपकी जो भी हमारे बिल्डिंग्स की आपकी स्टोन्स है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। हार्डनेस, इट इज एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी टू बी कंसीडर व्हेन स्टोन इज यूज फॉर फ्लोरिंग एंड पेवमेंट। तो आपकी वो इतना सफिशियंट हार्ड होना चाहिए। कोफिशियंट ऑफ हार्डनेस इज टू बी फाइंड बाई कंडक्टिंग टेस्ट ऑन हार्डनेस इन डोरी टेस्टिंग मशीन। तो जो भी आपका स्टोन्स की हार्डनेस टेस्ट करते हैं, एक तो आपकी होती है लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्टिंग मशीन, एक हमारी होती है डोरी एब्रेशन टेस्टिंग मशीन। इसमें हम क्या करते हैं कि अराउंड 5 kg के आसपास स्टोन्स लेते हैं, उसको हम मशीन के अंदर डाल देते हैं, उसके बाद से जो मशीन होती है उसको हम ऑन कर देते हैं। तो उसमें आपकी 500 रिवोल्यूशन देते हैं, 500 आर। तो रेगुलेशन के बाद से उसके बाद से उसको जो भी हम देखते हैं कि आपकी कितना वो जो है हार्ड है, तो उसका वियर एंड टीयर चेक करते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी हमारी स्टोन्स यूज होती है उसकी हार्डनेस जो है कम से कम 17 होनी चाहिए, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए अगर हम यूज करें स्टोन तो उसकी आपकी जो है 14 से कम नहीं होनी चाहिए। परसेंटेज वियर, इट इज मेजर्ड बाई एट्रेशन टेस्ट, इट इज एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी टू बी कंसिडर इन सेलेक्टिंग एग्रीगेट फॉर रोड वर्क एंड रेलवे ब्लास्ट। मेन जो स्टोन्स की हमारे टेस्ट जो करते हैं वो हम रोड कंस्ट्रक्शन के लिए मेन इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो व्हीकल्स वगैरह का जो वेट पड़ता है। तो आपने देखा कि बहुत से जगह हमारे रोड्स बनती ही नहीं है और कुछ दिन बाद ही रोड सबके पूरी खराब है, एग्रीगेट सबके बाहर सरफेस पे दिखने लगते हैं। तो अगर एग्रीगेट्स की हम प्रॉपर हार्डनेस टेस्ट, उसका वियर एंड टीयर टेस्ट, टफनेस टेस्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, ये सारी टेस्टिंग नहीं करेंगे तो आपकी जो हमें पता नहीं चलेगा कि जो हम स्टोन्स यूज कर रहे हैं वो किस टाइप्स की है। ये वही सब जो होती हैं थर्ड ग्रेड के हम स्टोन्स यूज करते हैं तो जो हमारी रोड्स आपने देखोगे खराब हो जाती हैं। एक गुड स्टोन शुड नॉट सो वियर ऑफ मोर देन 2%। एक अच्छी क्वालिटी की स्टोन जो है उसकी वियर आपकी 2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पोरोसिटी एंड एब्जॉर्प्शन, ऑल स्टोन्स हैव पोर्स एंड हेंस एब्जॉर्ब वाटर। जितने भी स्टोन्स होते हैं आपके उसमें पोर्स तो होते ही हैं और वाटर एब्जॉर्ब करता ही है। रिएक्शन ऑफ वाटर विथ स्टोन काजेज डिस इंटीग्रेशन। एब्जॉर्प्शन टेस्ट इज स्पेसिफाइड एट परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाई स्टोन वेन इट इज मर्ज अंडर वाटर फॉर 24। तो जो भी हम वाटर एब्जॉर्प्शन आपकी चेक करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टोन्स को सबसे पहले वेट करके उसको 24 आवर्स के लिए वाटर में छोड़ देते हैं। 24 घंटे बाद जब उसको निकालते हैं और देखते हैं फिर उसका वेट करते हैं, जैसे ब्रिक्स का वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं सेम तो हम स्टोन्स की भी वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं। फॉर ए गुड स्टोन इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल एंड इन नो केस मोर देन 5%। तो आपकी गुड क्वालिटी की जो स्टोन्स होती है उसमें आपकी वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो आपकी 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है वेदरिंग, वेदरिंग इफेक्ट्स हमारी स्टोन्स पे। रेन एंड विंड काज लॉस ऑफ गुड अपेयरेंस ऑफ स्टोन, हेंस स्टोन विथ गुड वेदर रेजिस्टेंस शुड बी यूज फॉर फेस वर्क। तो हमारी जो होती है पानी वगैरह से भी आपने देखे होंगे या विंड से भी हमारी जो स्टोन्स की आपकी जो अपीयरेंस होती है वो लॉस हो जाती है। तो हमें जो भी आपकी
स्टोन्स की, आपकी जो है अच्छी क्वालिटी की स्टोन्स को हमें सरफेस पे फेस पे लगाना चाहिए, जिससे कि हमारे, क्योंकि आउटर जो सरफेस होता है वो आपकी और विंड और रेन के कांटेक्ट में ज़्यादा रहता है, तो इससे हमारी वो स्टोन्स ख़राब ना हो। टफनेस, द रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट इज कॉल्ड टफनेस, इट इज डिटरमाइंड बाई इम्पैक्ट। आपकी इम्पैक्ट टेस्ट है, हम उसकी टफनेस निकालते हैं। तो स्टोन्स विथ टफनेस इंडेक्स मोर देन 19 आर प्रेफर्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। अगर हमारी जब टफनेस टेस्ट करें तो आपकी अगर वो 19% से आपकी ज़्यादा है तो ही उस स्टोन्स को हम रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। टफनेस इंडेक्स 13 to 19 इज कंसिडर एज मीडियम टफ एंड स्टोन्स विथ टफनेस इंडेक्स लेस देन। अगर आपकी किसी भी स्टोन्स की टफनेस इंडेक्स जो है 13 से कम है, 13% से, तो बहुत पुअर क्वालिटी की स्टोन्स है और उसको हम नहीं यूज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस टू फायर, सैंड स्टोन्स रेजिस्ट फायर बेटर एग्रीलियस मटेरियल्स दो पुअर इन स्ट्रेंथ आर गुड इन रेजिस्टिंग फायर। सैंड स्टोन्स जो होते हैं वो फायर रेजिस्टेंस में अच्छे होते हैं, एक्रीलियस मटेरियल्स जो होते हैं वो आपकी उसकी स्ट्रेंथ कम होती है लेकिन वो आपके फायर रेजिस्टेंस में अच्छे होते हैं। नाउ एज इन ड्रेसिंग, कॉस्ट ऑफ ड्रेसिंग कंट्रीब्यूट टू कॉस्ट ऑफ स्टोन मशीनरी टू ए ग्रेट एक्सटेंट। अगर हम स्टोन मशीनरी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आपकी जो ड्रेसिंग होती है सरफेस पे हम जो करते हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर उसकी कॉस्ट हमारी ज़्यादा होगी तो ओवरऑल बिल्डिंग की कॉस्ट ही ज़्यादा हो जाएगी। तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ ड्रेसिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम स्टोन मशीनरी बनाते हैं। द ड्रेसिंग इज ईजी इन स्टोन विथ लेसर स्ट्रेंथ, हेंस इंजीनियर शुड लुक इन टू सफिशियंट स्ट्रेंथ रेदर देन हाई स्ट्रेंथ वाइल सेलेक्टिंग स्टोन फॉर बिल्डिंग वर्क। सीजनिंग, द स्टोन ऑब्टेन फ्रॉम क्वेरी कंटेन मॉइस्चर इन द पोर्स, द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन इम्प्रूव इफ दिस मॉइस्चर इज रिमूव बिफोर यूजिंग द स्टोन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम पोर्स इज कॉल्ड सीजनिंग। द बेस्ट वे ऑफ सीजनिंग इज टू अलाउ इट टू द एक्शन ऑफ नेचर बाई 6 to 12 months, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ लेट। तो जो भी हमारी सीजन है उसमें जो भी हमारे स्टोन्स वगैरह जो है उसमें मॉइस्चर अगर अवेलेबल है तो उस मॉइस्चर को रिमूव करने को जो है उसको निकालने की प्रोसेस के ही हम क्या बोलते हैं, सीजनिंग बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच।